हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्राथमिक शिक्षक की जो मेरिट लिस्ट है इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है, किन को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और किन को डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है फ्रेंड्स, ये आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ग 3 के लिए। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, इसमें सारी जानकारी दी जाएगी और नई मेरिट लिस्ट जो हुई है कहाँ तक क्लियर होगी या हुई है ये इसके बारे में भी हम जानकारी को देखेंगे फ्रेंड्स। तो आपने जो पोर्टल अभी देखा होगा, पोर्टल अपडेट हुआ है, उसको भी हम पोर्टल में जा करके देखते हैं। अभी उसमें क्या हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक की जो मेरिट लिस्ट है उसमें बड़ा बदलाव हुआ। अंडर प्रोसेस करके कुछ स्टूडेंट दिए गए हैं, लगभग 300 स्टूडेंट्स के आसपास ये हैं। तो आपको ये देख लेना है कि आपका नाम इस लिस्ट में तो नहीं है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड बिल्कुल नहीं करना है। आपका नाम जब मेन लिस्ट में होगा तभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। साइट पर चल करके देखते हैं कि आपका नाम किस सूची में है तब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और किस सूची में है तब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे TRC पोर्टल, इस पर आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023, इसमें जो ये अंडर प्रोसेस वाली ये जो टैब है इसमें नई सूची अपलोड की गई है। जो पुरानी सूची थी उसको कल हटा दिया गया था किसी कारणवश में, उसमें टेक्निकल इशू था, लेकिन आज ये जो नई सूची है इसको जारी कर दिया गया है और इसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं बदलाव के साथ में। आपको यहाँ पढ़ सकते हैं कि 19/10/2022 के विज्ञापन के आधार पर प्राथमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थी की सूची जिनकी नियुक्ति की कार्रवाई प्रचलन में है के कारण दस्तावेज अपलोड की अनुमति नहीं। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नाम इस सूची में है, अंडर प्रोसेस सूची में है, उनको दस्तावेज अपलोड करने की अभी अनुमति नहीं दी गई है फ्रेंड्स। तो इसमें 263 नाम इसमें लगभग शामिल हैं फ्रेंड्स। तो आपको इसमें अपना नाम देखना है, तो अगर आपका नाम इस सूची में आता है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। गलती बिल्कुल भी नहीं करना फ्रेंड्स, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से आपको मौका मिलता है और इसमें आप गलती करेंगे तो आपकी जो भागीदारी है उसको समाप्त कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो इसके बाद अगर आपका नाम इस सूची प्राथमिक शिक्षक दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी की सूची, इस सूची में आपका नाम यहाँ पर निकल के आता है तभी आपको अपने दस्तावेजों को अपलोड करना है फ्रेंड्स। जैसे आप कोई OBC से हैं और आप गेस्ट फैकल्टी या नॉन गेस्ट फैकल्टी से हैं तो यहाँ पर जाकर के फ्रेंड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये OBC, गेस्ट, नॉन गेस्ट, और यहाँ पे ये कैप्चा फिल करेंगे तो यहाँ पे जो अपलोड दस्तावेज अपलोड की ये सूची निकलेगी फ्रेंड्स, तभी आपको दस्तावेज अपलोड करना है, नहीं तो आपको दस्तावेज अपलोड नहीं करना है। जब आपका नाम इस सूची में आएगा तभी आपको दस्तावेज अपलोड करना है फ्रेंड्स। तो आई होप जो ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी, आई होप फ्रेंड्स जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। और आप सभी के कमेंट्स निकल के आते हैं कि जो ट्राइबल की जो मेरिट लिस्ट है या रोस्टर है वो अलग से आएगा, तो आना तो चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि DPI की ये भर्ती थी, इसमें संयुक्त भर्ती नहीं थी, तो ट्राइबल की वैकेंसी अलग से तो आनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आती हैं तो इसमें बहुत अधिक कट ऑफ नीचे जाने की संभावना बन सकती है, बहुत अधिक स्टूडेंट्स को इसमें मौका मिल सकता है। तो लगभग 51,000 भर्ती के लिए जो आंदोलन चल रहा है फ्रेंड्स, इसमें आपको सभी को सपोर्ट करना है और अधिक से अधिक वैकेंसी के लिए मांग करना है फ्रेंड्स। इस साल हो सकता है कि अधिक से अधिक वैकेंसी सरकार निकाल सकती है क्योंकि चुनाव वाला साल है फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि अगर ये भर्ती आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें मौका मिल सकता है फ्रेंड्स। तो जो भी अपडेट आगे निकल के आएगा मैं आपको उसकी जानकारी देता रहता हूँ फ्रेंड्स। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।